Subscribe and press the bell icon to never miss an update from First Post. I think जब आप इंडस्ट्री से नहीं हो और आप बाहर से अंदर आने की का सपना देखते हो, I feel obviously थोड़ा difficult होता है, considering opportunities limited हैं और competition बहुत ज़्यादा है. And nothing is being served to you on a platter. Exactly. और कोई एक इंसान नहीं है who's like backing you constantly or who you already know. ऐसा नहीं है कि मुझे बचपन से लोगों ने पले बड़े देखा है और जानते हैं. थोड़ा टाइम लगता है व्हेन यू आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री टू गेट योर सेकंड अपॉर्चुनिटी. यू नो व्हेन यू आर फ्रॉम द इंडस्ट्री समटाइम्स यू गेट योर सेकंड फिल्म बिफोर योर फर्स्ट फिल्म रिलीज. या यू नो दैट डजंट हैपन व्हेन यू आर नॉट फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड. करीना के साथ काम? हां यार सर मेरे को याद नहीं. मैं ही बोल रही हूं. वो फर्स्ट डे शूट जब मैं होटल से जाना था शूट पे, तो वो जब मैं बेड से उठा था, हाँ वो एक मोमेंट हो सकता है. उस दिन मुझे लगा था आज मैं कहाँ जा रहा हूँ. हेलो दिलजीत एंड कृति, वेलकम टू फर्स्ट पोस्ट. थैंक यू. सो डाइविंग राइट इन, यू गाइज हैव सेड कि ये स्पूफ है, पैरोडी मूवी है, आई मीन दैट्स द जॉनर दैट इट्स काइंड ऑफ डैबलिंग इन. तो बॉलीवुड में ये ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है, मोस्टली हॉलीवुड होता है, डेडपूल एंड ऑल ऑफ दैट, वी हैव सीन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. सो डू यू थिंक कि ये एक रिस्की चीज़ है, एंड हाउ डू यू थिंक कि इंडियन ऑडियंसेस इज like how receptive will they be? I actually don't know. I mean obviously kuch bhi naya karne jao to risk to hota hi hai. 50% chance hai ki wo chalegi, 50% shayad na chale. Lekin Hollywood mein kafi ye kaam kiya hai, ye genre kafi pasand kiya gaya hai, mujhe kafi pasand hai. I mean it's not like it's a spoof constantly, it's a comedy film, but there's an element of spoof in it. And I just feel ke kuch naya hai. I really hope ki audience ko pasand aaye, so that it opens up more opportunities like this. What about you sir, do you think ki kuch risk factor hai, audiences kaise receive karenge? Hollywood film mein to dekhte hain sare, yahan par Bombay mein dekhta hu, bhara pada hota hai. Jab bhi koi film dekhne jao sab Hollywood film mein dekhne jate hain. Jab Hollywood film aati hai tab filmon ki dates idhar udhar ho jati hai aajkal. To I think agar film logo ko achhi lagi to obviously phir to chalegi, aur hum sab ne to mehnat ki hai. अब देखते हैं जब इसको. हाँ ट्रेलर मतलब काफी फनी था, लाइक गुड ऑन गाइस, गुड ऑन, लगा ना अच्छा. बट द फिल्म इज फनी, द फिल्म इज फनी. आई हैव हर्ड दिस यू गाइस, आई डोंट नो आर यू सपोज्ड टू बी सेइंग ऑल दिस ड्यूरिंग पीआर कि ट्रेलर ठीक था, मूवी बेटर है. मुझे तो ट्रेलर भी अच्छा लगा था, मैं ये नहीं बोलूंगी. सर ने बोला था कि ट्रेलर ठीक था, मूवी बहुत बेटर है. हाँ ट्रेलर और अच्छा हो सकता था. जैसे मैंने जब मैंने मूवी देखी, तो जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैंने बोला था दिनू सर को, मैंने कहा सर ये ट्रेलर और अच्छा हो सकता है यार. फीडबैक फॉर्म या एक्चुअली पता है ये भी होता है ना कि ट्रेलर जो है वो एक फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, हम एक फॉर्मेट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेस्ट फनी मोमेंट्स ट्रेलर में नहीं है. तो इफ यू थिंक जैसे नॉर्मली हम अगर कॉमेडी फिल्म्स का ट्रेलर बनाते हैं तो हम बेस्ट फनी मोमेंट्स निकाल के डालते हैं उसमें. इसमें क्योंकि एक फॉर्मेट फॉलो किया गया है तो देयर वाज नो स्कोप टू पुट सर्टेन. Yeah, and also you can't give away too much. Too much, yeah. कुछ तो obviously बता नहीं सकते. ये भी एक तरीका हो सकता है जो मेरे दिमाग में नहीं आया. मैं तो as an audience ही देखता हूँ चीज हमेशा. मुझे लगा कि ट्रेलर अच्छा है. Scope for improvement थोड़ा सा था. काफी था. चलो हम डायलॉग प्रोमोस डाल रहे हैं. So both of you are like definitely outsiders who have become self-made stars in this industry, right? How difficult or easy was it to kind of break into Bollywood and this industry? And what would you say to someone who's also trying to kind of a struggling actor who would is trying to break into this industry apni personal journeys ke accordingly? Mujhe lagta hai har ek sawal pe ek alag formula fit hota hai. Main kisi ko advice de do agle ki journey easy hone ko main kharab kar do uski, to mera formula main to nahi dena chahunga kisi ko. Aise nahi ki main bahut kamal ka formula hai mere paas, matlab main kal bhi ek jagah bola tha ye shayad baat ki agar aap parties pe ja sakte ho to zarur jao, usse help hoti hai. और अगर आप फ्रेंड्स बना सकते हो तो ज़रूर बनाओ, उससे हेल्प होती है. अगर आप किसी कैंप का हिस्सा बनते हो तो वो उससे भी हेल्प होती है. तो इन सब चीज़ों से थोड़ी और जर्नी आसान हो सकती है, मतलब जो मैं नहीं कर पाया मैं वो लोगों को बोलता हूँ. व्हाट अबाउट यू? आई थिंक जब आप इंडस्ट्री से नहीं हो और आप बाहर से अंदर आने की का सपना देखते हो, आई फील ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कंसिडरिंग अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. एंड नथिंग इज बीइंग सर्व्ड टू यू ऑन अ प्लैटर. एग्जैक्टली. और कोई एक इंसान नहीं है हुज लाइक बैकिंग यू कॉन्स्टेंटली और हु यू ऑलरेडी नो. ऐसा नहीं है कि मुझे बचपन से लोगों ने पले बड़े देखा है और जानते हैं. एग्जैक्टली. आप अगर मेरे सामने हो और मैं कुछ कर रही हूँ तो आपका ध्यान मुझे आ सकता है. जो मेरे सामने ही नहीं है उसका ध्यान कैसे आएगा?
आई थिंक ऑल्सो ऑडियंस जो है वो थोड़ा मुझे लगता है कि ज़्यादा वक्त लगाती है कनेक्ट करने में जब आप इंडस्ट्री से नहीं हो, क्योंकि आपका नाम भी नहीं सुना है. तो जब नाम सुना है, चेहरा पता है, वो नाम और चेहरा एक करने में भी टाइम लगता है. तो आई फील थोड़ा टाइम लगता है व्हेन यू आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री टू बिल्ड दैट कनेक्ट विद द ऑडियंस. थोड़ा टाइम लगता है व्हेन यू आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री टू गेट योर सेकेंड अपॉर्चुनिटी. Yeah. You know, when you're from the industry, sometimes you get your second film before your first film releases. Yeah. You know, that doesn't happen when you're not from a film definitely, background. Yeah. So all those are definitely the struggle points. But I feel ek jo cheez main bolungi ki whoever wants to be in this field or wants to act or do something, I think khud ko pehli baat to pata hona chahiye ki aap kyun karna cha rahe ho ye. Matlab aapka passion ya aapka reason kya hai jo aap kyun karna chahte ho ye. Kyunki bahut log kar rahe hai isliye. या क्योंकि आपको इसमें मज़ा आता है या आप पूरी लाइफ करना चाहोगे. एंड आई थिंक आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कुछ ना कुछ कमी बताएंगे, कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज़ करेंगे, इस तरह से करो नहीं तो नहीं होता है, कैंप में जाओ या पार्टी में जाओ नहीं तो नहीं होता है. बहुत लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे क्योंकि सबके पास ओपिनियंस हैं और मुफ्त के ओपिनियंस हैं. तो आई फील उस टाइम में ना बहुत ईजी होता है ये फील करना कि यार शायद नहीं होगा या अगर नहीं हुआ तो डिस्करेज यू गेट. आई थिंक इट्स वेरी ईजी टू गेट डिस्करेज एंड दैट्स वेयर यू हैव टू स्टॉप लिसनिंग टू पीपल एंड जस्ट फोकस एंड जस्ट वर्क रियली हार्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ के होगा. आई रियली फील कि आप जिस तरह की एनर्जी बाहर भेजते हो ना, आई फील दैट कम्स बैक टू यू. द सीक्रेट व्हाट यू गिव आउट टू द यूनिवर्स कम्स बैक टू यू. इट डज. व्हेन यू आर थिंकिंग नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा तो कई बार होना होता वो भी नहीं होता. सो आई फील आई बिलीव इन दैट. And I feel like it's very important to just believe in yourself and not give up. Since you are self-made stars, like I said in my last question, what up until now has been like a damn I've made it or a pinch me, this is really my life now kind of moment, like the highlight for both of you? Something that you think is the highlight of your life till now? I think there are a lot of times, I think. Seriously, there are a lot of times. Like, okay, in day-to-day life, what would like, be? Like, there are a lot of times. In day-to-day life, there are a lot of times that मैं वो गाड़ी में आप सिग्नल पे हो तो वो बच्चे कई बार जो सिग्नल पे कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं तो वो आ जाते हैं और वो अगर आपको देखकर आपकी फिल्म का गाना गाना शुरू कर दिया, आपके कैरेक्टर का नाम लेना शुरू कर देते हैं कई बार. आई फील दैट इज़ सो सरियल. लाइक दिस सिंग दे समटाइम्स मैं एक्स्ट्रा रुक जाती हूँ क्योंकि वो पूरा गाना उनका कम्प्लीट हो जाए ताकि वो मोमेंट्स होते हैं. कई बार आप शाहरुख सर के साथ जब मैं काम कर रही थी तो वो मेरा पहला सीन जो उनके साथ था वो मेरे सामने जब थे वो एक बहुत सा रियल मोमेंट था. मतलब आई हैड टू लाइक पिंच माई सेल्फ. अवार्ड फंक्शंस में बैठे हूँ, यू नो जो अवार्ड फंक्शंस आप देखते थे हर 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 टाइम पर, तब तो इंस्पायर भी नहीं करती थी मैं, तब तो पता ही नहीं था. हाँ, तो उधर बैठे हो माधुरी मैम के साथ अभी रिसेंटली अखिया मिला हूँ कभी अखिया चुराव पर. आई गॉट टू डांस विद हर. दैट वॉज माई सॉन्ग दैट आई यूज टू परफॉर्म or dance on in every party when I was a kid. Wow. I used to copy her steps and her expressions and everything from the TV. So wo mere liye bahut hi surreal moment tha aur mujhe laga nahi tha ki mujhe itna surreal lagega kyunki I've met her before. But us gaane pe unke sath dance karna was like a big deal. And yeah. You know, or whether there's sometimes certain directors jinka aapko kaam hamesha se bahut pasand hai and you know when they come up to you and they tell you that they admired your work in a particular film, and then you feel like, oh my god, yeah. This person is saying this. So bahut sare hote hain, wo roz hote hain. I feel, what about yourself? Nahi, aisa to koi moment nahi aaya main pinch karu apne aap ko ki oh main yahan par hu, aisa hai, aisa nahi aaya mere sath. Kareena ke sath kya? Haan, wo badi baat thi. To batao na fir please, yaad dilana padta hai kabhi kabhi. Haan, wo first day shoot jab main hotel se jana tha shoot pe, to wo jab main bed se utha tha. हाँ, वो एक मोमेंट हो सकता है. उस दिन मुझे लगा था आज मैं कहाँ जा रहा हूँ. और दैट इंसिडेंट दैट यू सेड कि आप उनसे मिलने आए थे और वो आ रही थी पहली बार. हाँ यार, सारा मेरे को याद नहीं. मैं ही बोल रही थी, अब बता दो क्या. हाँ, उनके घर गया था मैं. तो रीडिंग्स थी तो इतने कैजुअली ना. हाँ, घर गया था रीडिंग्स. हाँ बोलो. पंजाब में रीडिंग होती नहीं ऐसे, फिल्मों में हम करते नहीं रीडिंग्स वीडिंग्स. यहाँ थोड़ा है रीडिंग्स का. उनके घर गए थे हम रीडिंग करने के लिए, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उनके घर जा रहा हूँ, मैं मिलूँगा उनसे, सच में ये है. पर बंदे तो ऑब्वियसली फैंटम के वो हनी पाजी साथ थे या अभिषेक पाजी साथ थे, तो पता ही था हम सीरियस सीरियस है सब कुछ. सब जगह जा रहे हैं.